नमस्कार, गोरखपुर लाइव के चुनावी सफर में इस समय महाराजगंज संभागीय परिवहन कार्यालय में मौजूद हैं। आइए हम कुछ अधिवक्तागण से बात करते हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर, यहाँ के स्थानीय वोटरों की क्या राय है, इसके पहले क्या कुछ यहाँ के नेतागण किए हैं, क्या वादा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष पटेल। यहाँ क्या स्थिति बन रही है चुनाव की? जी सर, मोदी को वोट पोल होने का ज़्यादा चांस। यहाँ के स्थानीय सांसद लंबे समय से सांसद हैं, उनकी क्या स्थिति है? ठीक है उनका सर, अच्छे हैं वो। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं सरकार ने लागू की, क्या यहाँ के नेता और अधिकारी इसको जमीन पे हकीकत में तब्दील करने में सफल हुए या असफल हुए? जी सर, 99% सफल हो चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खुद चलाए जाने वाला, शौचालय की क्या स्थिति रही यहाँ की? सर, शौचालय बने हैं कुछ, लेकिन कुछ बन गए हैं उसके पैसे भी नहीं मिल पाए हैं। आखिर इस पैसा न मिलने के पीछे कारण क्या है? अब या तो प्रधान इसके कारण हो सकते हैं, पैसा वही दे रहे हैं सेक्रेटरी और प्रधान। सेक्रेटरी और प्रधान इसके मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। क्या स्थिति यहाँ, लड़ाई किस ढंग की होगी? लड़ाई फिर भी मोदी जी ने काम किया है, इसलिए वोट ज़्यादा उन्हीं के पक्ष में जाने के चांसेस हैं। भैया हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अनिल कुमार पटेल। अनिल कुमार पटेल, क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ से तो बीजेपी जीतेगी। लंबे समय से यहाँ से पंकज जी सांसद रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने ज़मीन पे हकीकत में कुछ तब्दील किया है जो जनता को दिखाई दे? अगर सांसद के तौर पे उनकी कार्यशैली को देखा जाए तो एकदम नगण्य है, यानी कि जीरो। वो सांसद के तौर पे महाराज में कुछ भी नहीं दिए आज तक, एक काम उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं हुआ है उनकी नीति से। बाकी जो मोदी जी ने किया है वो सारे काम सही हैं। हम लोगों के सामने मजबूरी है कि हम लोगों के वहाँ कोई नेता नहीं है, हम लोग केवल कमल के फूल को देखते हैं। अगर सांसद जी को देखा जाए, वो आज तक वादा करते चले आ रहे हैं कि महाराजगंज को मैं रेल से जोड़ूंगा। अगर वो फरिंदा बाया महाराजगंज घुगली जोड़ भी देते हैं तो फरिंदा महाराजगंज घुगली होते हुए गोरखपुर जाएगा कौन? अच्छा, आप अभी कहें कि हमारे यहाँ कोई नेता है, लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि पंकज चौधरी और कुंवर अखिलेश सिंह के परिवार के इर्द गिर्द ही राजनीति घूम रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर यहाँ पे नेता आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि ऊपर से हाईकमान आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण महाराज की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति है। महाराज का कोई भी प्रतिनिधि वो हाईकमान को पैसा नहीं पहुँचा पाता है, इस नाते उसको टिकट नहीं मिलता है। इन्हीं दोनों बाहुबलियों को, मैं भाजपा ही हूँ, आज से नहीं जब से मैं वोट दे रहा हूँ तब से भाजपा ही हूँ, मजबूरी हम लोगों के सामने यह है कि कोई भी अगर वोट लेने जाए तो उसको पैसा देना पड़ता है, टिकट लेने जाए तो पैसा देना पड़ता है। इन दोनों के अलावा कोई पैसा देता नहीं है, साथ ही दूसरे को टिकट मिलता नहीं है। अच्छा, आपके सांसद जी क्या क्षेत्र में जनता के बीच सुख और दुख में सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, उस सम्मिलित होने से कोई मतलब नहीं है। हमारे वहाँ निमंत्रण पड़ा, बहुभोज पड़ा, शादी पड़ी, मुंडन पड़ा, ब्रह्मभोज पड़ा, उस आने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आखिर लंबे समय से वो यहाँ से सांसद हैं, क्या कुछ जाति आधार पर भी उनको लाभ मिलता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? गुड्डू पांडे। गुड्डू पांडे, क्या स्थिति बन रही है महाराजगंज की? सर, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत रही है जी। सांसद जी काम वाम ठीक ठाक किए हैं कि नहीं? नहीं सर, कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किए जी? नहीं सर। लंबे समय से यहाँ पे काबिज है, इसके पीछे का कारण क्या है? सर, भाजपा के नाम पे जीते हैं सर, अपने काम के नाम पे नहीं जीतते हैं। भाजपा के नाम पे ही जीतते हैं जी सर, केवल नाम पे जीतते हैं, काम के नाम पे नहीं जीतते हैं। ये जो स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय वाला प्रधानमंत्री जी की योजना थी, कहाँ तक यहाँ पे जमीन पे दिखाई दे रही है? सर, जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं सर, कुछ लोग तो बनवाए हैं, कुछ लोग बनवाए भी नहीं है। प्रधान और सेक्रेटरी लोग मिल के पैसा खा गए हैं, खाली पैसा निकला है। अच्छा, यहाँ की सबसे जटिल समस्या जो है उसके बारे में आप बताइए, जिसको नेता और अधिकारी दोनों ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाईपास सर, आए दिन पूरे शहर में जाम लगा रहता है सर। मतलब यहाँ जाम की समस्या काफ़ी जटिल है जी सर। यहाँ के लोगों का कहना है कि जाम की समस्या एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए ना ही नेता प्रयासरत हैं और ना यहाँ के स्थानीय अधिकारी जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं वो भी इसके पक्ष में नहीं प्रयास किए। आइए हम और कुछ लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? बैजनाथ चौधरी। किसके पक्ष में यहाँ की जनता इस बार मतदान करने जा रही है? जनता तो बीजेपी को ही देने जा रही है, देश हित में, राष्ट्र हित में और मोदी के काम के लिए सिर्फ बीजेपी को वोट जाएगा। क्या लगता है आपको, मोदी काम किए हैं? एकदम 100% काम किए, उनका काम बहुत बढ़िया है। सांसद जी का कार्यकाल कैसा रहा? सांसद जी तो उनका काम उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि वो बराबर अवेलेबल रहते नहीं हैं, लेकिन मोदी के नाम पे उनको वोट दिया जाएगा। मोदी के नाम पे? हाँ, मोदी के नाम। लंबे समय से यहाँ सांसद रहे, आखिर क्या कारण है कि आप लोग नाखुश हैं उनसे और यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किए फिर भी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं? सीधी सीधी बात जान लीजिए कि बीजेपी जो है
एक ऐसी पार्टी है जो देश हित की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है, इसलिए हम सिर्फ बीजेपी के साथ हैं बस। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि राष्ट्रवाद के नाम पर हम मोदी जी को दोबारा चुनेंगे। आइए, युवा हैं भाई, अब युवा हैं जी, किसके पक्ष में मतदान हो रहा है इस बार? बीजेपी। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है। हाँ। आखिर कुछ यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है? जैसे सड़क, बिजली, पानी, इस सब की समस्या अच्छी है पर थोड़ी बहुत खराब भी है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली ठीक है, बहुत अच्छी है, एक नंबर है बिजली। पहले, इससे पहले सपा सरकार में इटावा, मैनपुरी, हमारे इस महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में 6 घंटा बिजली मिलता था, मलनी 6 घंटा, अभी 18 से 20 घंटा मिल रहा है। सारा बिजली जो है इटावा, मैनपुरी में जाता था, अभी तो मिला ना, बिजली बहुत बढ़िया है। मतलब वर्तमान की जो प्रदेश सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। बिजली की समस्या को काफी एकदम बहुत अच्छा सुधार हुआ बिजली में, बढ़िया मिल रहा है। और केंद्र सरकार की योजना कि अगले कुछ समय में 24 घंटा बिजली दी जाएगी, और शायद हमको विश्वास है कि मिलेगा। मतलब मोदी के पक्ष में इस बार फिर एकदम मोदी सरकार, 100% मोदी सरकार।